आज का लेसन है एमआर का, एमआर के अंदर आज आपका टॉपिक है कंपास। एक सैनिक और कैडेट होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम कंपास के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करें, क्योंकि सैन्य अभियानों के दौरान अमूमन कंपास हमारा एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट होता है, जिसकी मदद से हम किसी भी हालात में अपनी दिशा और डिग्री को आसानी से मालूम करते हैं। लिहाजा इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस परेड के दौरान मैं आपको कंपास के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। क्लास सरलतापूर्वक और सबको समझ में आए इसके लिए मैंने यहाँ पे कंपास का एक ब्लैक डायग्राम लगा हुआ है, साथ ही हमने क्लास को समझाने के लिए एक कंपास भी रखा हुआ है। कोई भी सब्जेक्ट में आप तब तक माहिर हासिल नहीं कर सकते जब तक उसकी आवश्यकता आपको पता नहीं है। जैसे कि हम आज कंपास के बारे में बताएंगे कि कंपास की आवश्यकता क्या है, आखिर फौज के अंदर या फिर अन्य सैन्य संस्थाओं को कंपास दिया क्यों गया था। अमूमन एक सैनिक टुकड़ी कभी भी और किसी भी हालात में दुश्मन से मुकाबला करने के निकलती है। हालात खराब होने पर हम सोचते हैं कि चलो जीपीएस से हम अपना दूरी या दिशा अब मालूम कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि अगर मौसम खराब होगा जीपीएस सिस्टम उस टाइम पे आपका काम नहीं करेगा। हमारे पास सबसे पुराना आला जो हमारी वास्तविक स्थिति डिग्री और दिशा मालूम करने के लिए दिया हुआ है वो सबसे भरोसेमंद और पुरानी हमारे पास कंपास ही है। लिहाजा कंपास के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। यानी कंपास है क्या, तो कंपास है क्या, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि कंपास की परिभाषा क्या है। करेक्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कंपास एक डिबिया के आकार का एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से हम डिग्री और दिशा को मालूम करते हैं। एक बार और सुने, कंपास एक ऐसा माध्यम है डिबिया के आकार का यंत्र जो जिसकी मदद से हम डिग्री और दिशा मालूम करते हैं। ये आपके सामने जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है एक खुले हुए कंपास का पूरा डायग्राम है, जिसकी मदद से मैं आपके इसके हिस्से पुर्जों के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं कंपास की उपयोगिता के बारे में बताना निहायत जरूरी समझता हूं। कंपास की उपयोगिता, कंपास का काम क्या होता है। करेक्ट, सबसे पहले अगर हम मैप को सेट करें तो हमें कंपास की सख्त जरूरत पड़ती है, बिना कंपास की मदद को हम मैप को सेट नहीं कर सकते। दूसरा, कंपास से हम किसी भी दिशा के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। अमूमन जो हमारा कंपास है वो नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ को दिखाता है, लेकिन अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर चारों दिशाएं में से अगर एक दिशा हमें मालूम है तो बाकी दिशा का अंदाजा आपको अमूमन आराम से आप खुद लगा सकते हो। और डिग्री की दिशा भी हम इससे ज्ञात करते हैं। डिग्री जैसे भी हो, हमें कितने डिग्री के ऊपर मार्च करना है या हम कौन से डिग्री पर भी है और अगला पॉइंट हमें कौन सी डिग्री का मिला हुआ है, उस डिग्री को ज्ञात करने के लिए हम इस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। यह था कंपास की उपयोगिता, कंपास की परिभाषा, कंपास की उपयोगिता। अभी कंपास कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानकारी हासिल करें। अमूमन कंपास दो प्रकार के होते हैं, लिक्विड कंपास और ड्राई कंपास। ये जो कंपास आपके सामने रखा हुआ है ये कंपास लिक्विड कंपास है, जो कि एयरफोर्स और आर्मी के अंदर अमूमन इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई कंपास सबमरीन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मोटे तौर पे समझ में आना चाहिए कि जो लिक्विड कंपास है ये आर्मी और एयरफोर्स वाले इस्तेमाल करते हैं, और जो ड्राई कंपास है उसका इस्तेमाल नेवी वाले करते हैं, क्योंकि सबमरीन पानी के अंदर चलती है, वहां पे लिक्विड कंपास काम नहीं करता है, तो वहां पे हम ड्राई कंपास का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपके सामने पूरा डायग्राम है, कंपास का पूरा नाम इस प्रकार से जाहिर किया जाता है, इसका पूरा नाम प्रिज्मेटिक कंपास लिक्विड मार्क थर्ड अल्फा है। अब इसके हिस्से पुर्जे, ये जो आपके सामने कंपास है ये खुली हालत में रखा हुआ कंपास है। अमूमन इस तरह से कंपास खुला हुआ नहीं होता है, जब हम कोच से कंपास निकलते हैं तो वो बंद होता है, लेकिन चूंकि मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा रहा हूँ तो यहाँ पे जो डायग्राम है वो खुली हालत में है। यहाँ पे आप आसानी से कंपास के हिस्से पुर्जों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे ऊपर हिस्सा जो होता है कंपास का वो देखिए यहाँ पे एक जीभ के आकार का एक निशान बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं टंग।
यह इंसान के जीभ की तरह होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है टंग। इसके ऊपर एक कट बना होता है जिसको हम बोलते हैं नोच, अमूमन हम बोलते हैं कि टंग नोच। टंग नोच मतलब जीभ का नोच होता है, जो कटाव बना होता है उसको नोच बोलते हैं, और ये टंग है इसलिए इसको बोलते हैं टंग नोच। लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिखाया गया है, तो ये नोच हो गया, ये आपका टंग हो गया। उसके बाद ये गोल सा दायरा दिखाया गया आपको, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, लीड। लीड मीन्स ढकना या फिर ढक्कन। ये ढक्कन फोल्ड होकर के इस जो हमारा कंपास है इसके ऊपर फोल्ड हो जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लीड यानी ढक्कन। फिर आप नीचे आएंगे तो सेंटर में एक काली लाइन दिखाई गई है जो कि नोच से लेकर सिधाई तक आके नीचे तक आती है, तो जो हमारे लीड के ऊपर जो बीच में ये निशान बनता है उसको बोलते हैं हम हेयर लाइन, क्योंकि ये अपने बाल की तरह काफी पतला होता है और बहुत बारीकी से देखने में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक लाइन खींची गई है, तो ये क्या होता है हमारा हेयर लाइन। उसके बाद ये जो सफेद इलाका है आपका, ये एक विंडो है। विंडो मतलब खिड़की, यानी इसको कांच से, हम कांच की मदद से इसको लगाते हैं, इसलिए इसको हम विंडो बोल देते हैं। ये एक कांच का होता है और कांच की मदद से ही बनाया गया होता है। उसके बाद जो ये दो आपको निशान काली लाइन दिखाई गई है, ये ग्लास प्रोटेक्टर होता है। ये जो हमारा विंडो है इसको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए बोलते हैं हम इसको ग्लास प्रोटेक्टर। उसके बाद जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पे एक हिंज दिखा हुआ है। हिंज अमूमन तौर पर हम हिंज इसको बोलते हैं कब्जा को। ये क्या करता है कि जो कंपास का ढक्कन और कंपास है इसके बीच में ये हिंज की मदद से इस ढक्कन को हिंज किया जाता है, ताकि खोलते वक्त ये आसानी से खुल जाए और बंद होते वक्त आसानी से बंद हो जाए। तो ये आपका हिंज हो गया। उसके राइट साइड में अगर आप जाओगे तो वहां पे एक नट सा दिख रहा है आपको ना, ये क्लैंपिंग स्क्रू बोलते हैं इसको। इसकी क्या कार्रवाई होती है कि जब हम कहीं पे कंपास की डिग्री को फिक्स करते हैं, अमूमन हम नाइट मार्च चार्ट जब करते हैं, जब नाइट को हम कहीं जाते हैं तो हम उस टाइम इस क्लैंपिंग स्क्रू की मदद से अपनी डिग्री को फिक्स करते हैं। ये क्लैंपिंग स्क्रू दाएं और बाएं हरकत करने से ये खुल जाती है, जिसके मदद से जो हमारा ये लीड है, ये डायल जो हमारा जिसके अंदर हमारी डिग्री खोदी हुई है, ये लूज हो जाती है। उसके बाद हम इस डायल को घुमा करके जहां भी जिसने डिग्री पे जाना होता है उतनी डिग्री पे ले जाते हैं, और इस हिंज को हम वहां पे टाइट कर देते हैं। इसकी मदद से क्या होता है कि रात के टाइम अमूमन हम जब चलते हैं तो हमारी डिग्री दाएं बाएं होने की संभावना नहीं होती, एक फिक्स हो जाती है कि हमें इतनी डिग्री पे ही चलना है और हम उसी दिशा में चलते रहते हैं। क्लैंपिंग स्क्रू हो गया। इस तरफ जब हम आएंगे तो एक लोअर लाइन दिखाया हुआ है यहाँ पे, लोअर लाइन। ये लोअर लाइन क्या होता है, जब डायल जब हम देखोगे तो उसमें जैसे यहाँ हेयर लाइन है ऐसे यहाँ पे लोअर लाइन होता है, बिल्कुल एक सिधाई में होते हैं ये तीनों। ये जो आपका टंग नोच है, हेयर लाइन है, लोअर लाइन है, ये सारे क्या एक सिधाई में होते हैं। ये डायल के ऊपर होता है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोअर लाइन। जब भी हम कहीं डिग्री पे मार्च करेंगे तो ये लोअर लाइन, हेयर लाइन, टंग नोच और थंब रिंग का जो पीछे वाला इलाका है वो बाद में बताऊंगा मैं, ये सारे एक सिधाई में होना चाहिए। ये लोअर लाइन ये डिग्री को सीधा दिखाई देने के लिए हम रात में इस्तेमाल करते हैं या दिन में जब भी, तो इसको हम मिलाते हैं हेयर लाइन के साथ। उसके बाद क्या आ गया, ये डायरेक्शन मार्क। डायरेक्शन मार्क जिसे नाम से ही जाहिर है कि जिस डायरेक्शन में हमको जाना वहां मार्क करने का काम करता है ये डायरेक्शन मार्क। तो डायरेक्शन मार्क क्या करता है, डायरेक्शन मार्क भी हमारा घूमता है। डायरेक्शन मार्क से हेयर लाइन के साथ मिलाना होगा, जिस डिग्री पे हम चलेंगे उस डिग्री का ये जो डायरेक्शन मार्क है ये घूम के डायल के साथ यहाँ पे आ जाएगा। ये डायरेक्शन करेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं या फिर कौन सी दिशा में अभी हम खड़े हैं। जैसे हम नॉर्थ में है, जैसे ये देखो ईस्ट है, ये नॉर्थ को शो करेगा, जब नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो नॉर्थ को शो करेगा। तो डायरेक्शन मार्क यहाँ पे मेज करेगा कि हम कौन सी दिशा में है अभी, ये डायरेक्शन शो करता है कि हम कौन सी दिशा में अभी। उसके बाद आता है ये एरो हेड। एरो हेड को अमूमन हम क्या करते हैं, डायल के साथ ये ट्विस्ट होता है, घूमता है। जैसे जैसे आप घूमोगे आपका जो एरो हेड है वो भी घूमते रहेगा। आपको मान लो 360 डिग्री पे चलना है या फिर 250 पे चलना है या 125 पे चलना है, तो ये जो एरो हेड है ये उस डिग्री के पास साथ में मेस करता है। हेयर लाइन और लोअर लाइन ये सारे एक सिधाई में जब मिलेंगे तो आप सोचोगे कि हमारा कंपास सही काम कर रहा है, हम सही दिशा में जा रहे हैं। उसके बाद ये आता है एक कार्ड। कार्ड के अंदर क्या होता है, ये जो डायल है इसको हम कार्ड बोलते हैं। इसके अंदर पूरी डिग्रियां खुदी होती है और इसी डिग्री को हम क्या करते हैं, कंपास की मदद से हम इस डिग्री के ऊपर ही हम चलना शुरू करते हैं। नीचे की तरफ जब आएंगे तो हमारे पास आता है एक थंब रिंग। रिंग मतलब क्या होता है, एक छल्ला होता है, जैसे आप चूड़ियां या कुछ भी ले लो छोटा सा करे पहनते हो आदमी, उसी टाइप का ये होता है लेकिन ये छोटा होता है, उसको बोलते हैं हम थंब रिंग। इसके अंदर एक छोटा सा प्रिज्म बना होता है। प्रिज्म मतलब एक ग्लास टाइप का होता है जो चमकीला होता है। आप इस प्रिज्म की मदद से ही डिग्री को पढ़ोगे। आप क्या जब अपनी आंख को बंद करोगे तो एक आंख इसके साथ लगाना होता है और एक आंख से ही हम इसको देखते हैं कि सारी डिग्रियां हमारे बराबर है कि नहीं है। तो ये आपका प्रिज्म हो गया, ये आपका थंब रिंग हो गया। ये थंब रिंग का नोच है, जैसे कि आपको टंग का नोच था ऐसे यहाँ पे थंब रिंग का एक नोच है। ये आपका थंब रिंग नोच है।
इसको जब हम छले में पढ़ाते, जब हम मैप को सेट करते हैं तो ये कटाओ और ये कटाओ, और जो मैप का आपका जो बैंगनीकरण का रेखा होता है और ये सारी रेखाएं तीनों चारों वो सारी एक सीधाई में होती है, तब सोचते हैं कि हमारा मैप सेट हुआ है, उस दौरान इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे था खुली हुई हालत में आपके पूरे कंपास के हिस्से पुर्जों के बारे में विस्तृत जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट इसमें कोई वर्ड नहीं है और ना ही इतना डिफिकल्ट है कि आप समझ ना पाओ। अभी यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका खुली हालत में कंपास के बारे में आपने देख लिया, कंपास में कौन कौन से हिस्से पुर्जे होते हैं, कंपास कितने प्रकार के होते हैं, कंपास किसको कहते हैं, कंपास की उपयोगिता क्या है। अभी कंपास का मेन मकसद होता है कि अमूमन अगर हम किसी आम कैडेट्स को या एक सोल्जर्स को हम कंपास दे दें और उसको बोले कि आप डिग्री पढ़ो इससे, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में आते हैं कि डिग्री पढ़नी कैसे है। तो अभी मैं आपको कंपास के साथ डिग्री पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि कंपास के डिग्री पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कंपास दिखाऊंगा।